महाराष्ट्र में सरकार गठन की तस्वीर साफ नहीं, एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बयान से हलचल तेज, कहा जिन्हें सरकार बनानी है उनसे पूछो सवाल। आज दिल्ली में होने वाली कांग्रेस एनसीपी नेताओं की बैठक टली, इंदिरा गांधी के कार्यक्रम के चलते टली बैठक, अब कल होगी मुलाकात। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना को संघ प्रमुख मोहन भागवत की सलाह, कहा आपस में लड़ने से होगी दोनों दलों को हानि। लोकसभा में उठा गांधी परिवार की सुरक्षा हटाने का मामला, कांग्रेस ने लोकसभा से किया वॉकआउट, मोदी सरकार ने सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका की एसपीजी सुरक्षा हटाने का लिया है फैसला। राज्यसभा में मार्शल के नए ड्रेस कोड पर उठे सवाल, सभापति ने दिए समीक्षा के आदेश, मार्शलों के सिर पर पगड़ी की बजाय पी कैप पहनने पर जताई गई आपत्ति, राज्यसभा सचिवालय ने मार्शलों के लिए नया ड्रेस कोड तय किया था। राजस्थान में शहरी निकाय चुनाव में 9 सीटों के नतीजे आए, 6 पर कांग्रेस और 2 सीटों पर बीजेपी जीती, अभी जारी है मतों की गणना। एनआरसी पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बड़ा बयान, कहा बंगाल के नागरिक हमेशा यहां के ही रहेंगे, ओवैसी जैसे नेताओं पर भरोसा ना करें अल्पसंख्यक। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का ममता बनर्जी को जवाब, कहा डर और हताशा के कारण दे रही हैं ऐसे बयान। चाचा शिवपाल यादव ने भतीजे अखिलेश यादव से हाथ मिलाने के दिए संकेत, इटावा में एक कार्यक्रम के दौरान कहा हम चाहते हैं कि मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर परिवार में एकता बढ़ जाए, 22 नवंबर को है मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन। जेएनयू मामले को लेकर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने सरकार को घेरा, बीएसपी नेता दानिश अली ने भी पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल। दिल्ली में गंदे पानी को लेकर राजनीति गर्म, केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने सीएम अरविंद केजरीवाल को दिया चैलेंज, कहा दोबारा जांच करा ले सरकार। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बाद अब सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 5 एकड़ जमीन लेने से किया इनकार, कहा मस्जिद के बदले में दी जाने वाली जमीन पर नहीं बनाएंगे मस्जिद। जस्टिस आर भानुमति सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम में हुई शामिल, 13 साल बाद किसी महिला को कोलेजियम में मिली जगह, जस्टिस रुमा पाल 2006 में रिटायर होने तक कोलेजियम का हिस्सा नहीं थी। आईएमडी की विश्व प्रतिभा रैंकिंग में पिछड़ा भारत, 6 पायदान फिसल कर 59वें नंबर पर पहुंचा, जीवन गुणवत्ता और शिक्षा में खर्च पर कमी बनी वजह। इन्फोसिस के पूर्व CFO मोहनदास पई का बड़ा बयान, कहा IT सेक्टर में जा सकती हैं 40,000 नौकरियां, कारोबार में सुस्ती की वजह से हो सकती है छटनी। दुनिया में कई देशों की जनता ने महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, ईरान फ्रांस और चिली में सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग। भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ नूर सुल्तान में खेलेगी डेविस कप मुकाबला, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने कजाकिस्तान की राजधानी को मुकाबले की मेजबानी सौंपी। ऑस्ट्रेलिया के आक्रामक बल्लेबाज क्रिस लीन ने T10 लीग में मचाया तहलका, 30 गेंदों में ठोके 91 रन, युवराज सिंह ने भी की तारीफ। एनिमल लवर आलिया भट्ट ने कैट संग क्यूट सेल्फी की शेयर, आलिया ने फोटो कैप्शन में लिखा लाइक मदर लाइक कैट, फैंस ने तस्वीर को किया पसंद। और अर्पिता खान की वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी में लगा सितारों का तांता, 5वीं वेडिंग एनिवर्सरी पर बेबी पंप प्लांट करती दिखी अर्पिता खान, पार्टी में खान परिवार संग पहुंचे कई दिग्गज।